हेलो फ्रेंड्स, भारती किचन में आपका स्वागत है। गट्टे की सब्जी सभी को पसंद आती है, लेकिन एक शिकायत जो हम सबको रहती है कि गट्टे हार्ड बने हैं, सॉफ्ट नहीं बने हैं। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट गट्टे की सब्जी। तो अगर आपको मेरी टेक्निक्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम गट्टे की सब्जी के लिए 2 कप बेसन लेंगे। तो अब हम अपने इस बेसन में कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच ही हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें अजवाइन डाल देंगे और 1/2 चम्मच से थोड़ी सी कम, 1/4 चम्मच से थोड़ी ज्यादा और 1/2 चम्मच से थोड़ी कम हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और 3 बड़े चम्मच हम इसमें दही की डालेंगे। ये सब डालने के बाद हम इन्हें आपस में मिला लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमें पानी कम डालना है। इसी सब में, दही में और घी में ही हमारा जो बेसन है वो अच्छे से हो जाएगा। तो हमें 2 से 3 टेबलस्पून ही पानी की ज़रूरत पड़ेगी, पर पहले हमें इसे अच्छे से मिला लेना है आपस में, उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो देखिए हमारा जो डो है वो ऐसा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमें इसे सॉफ्ट बनाने के लिए कोई बेकिंग पाउडर या कोई भी मीठे सोडे की आवश्यकता नहीं है। हमने जो इसमें दही और घी डाला है उसी से ये अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए मैंने सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डाला है और अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हम ये 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने 1 बड़े प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और 4 टमाटर मैंने लिए हैं जिन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया है। अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। साथ ही साथ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे बारीक बारीक काटा है, 1 लहसुन की तुरी ली है जो मैंने बिल्कुल बारीक काटी है और 1 ही हरी मिर्च ली है। तो आइए चलते हैं, अब पहले अपने टमाटर को हम चॉप कर लेते हैं। तो अब हमने अपनी टमाटर की भी प्यूरी बना ली है, अब हम इसकी ग्रेवी की तरफ चलेंगे। मैंने इसकी ग्रेवी के लिए 2 चम्मच तेल लिया है ऑयल और 1 चम्मच घी लिया है देसी घी। साथ ही साथ मैंने अपने पानी को भी उबलने के लिए रख दिया है, गट्टे को उबालने के लिए। तो अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें अपने प्याज को डाल देंगे। तो अब हम इसे धीमी गैस पे भुनने के लिए छोड़ देंगे और इतनी देर में हम अपने गट्टों को पानी में उबालेंगे। तो अब हम हमारा जो गट्टे का डो था उसे हम एक बार फिर से आपस में मिलाते हुए अच्छे से गूंदेंगे। चाहे तो हम इसे अपने चकले पर निकाल सकते हैं और इसमें हम 1/2 से थोड़ा कम चम्मच घी का डालेंगे और इसे अच्छी तरह गूंदेंगे। घी से ये एकदम चिकना हो जाएगा फ्रेंड्स और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छे से हाथ से मसलते हुए गूंदेंगे। ऐसा करने से ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं इसका डो कितना चिकना हो चुका है। अब हम इसके गट्टे बनाएंगे। एक पेड़ा इसमें से लेके हम इसे ऐसे करेंगे और चकले पे रख के हम इसे रोल करेंगे।
ये देखिए ये बन चुका है। और आइए अब हम इसे अपने गर्म पानी में छोड़ देंगे। पानी हमें बिल्कुल गर्म लेना है फ्रेंड्स। ऐसे ही हम अपना दूसरा तैयार करेंगे गट्टे का शेप और उसे भी हम गर्म पानी में छोड़ देंगे। ऐसे ही सारे गट्टे हमें बिल्कुल गर्म पानी में छोड़ देने हैं। तो देखिए अब हम इसे तेज आंच पे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही साथ अपना मसाला भूनेंगे। मैंने अब अपनी आंच को तेज कर दिया है मसाले वाली और अब हम अपने प्याज को अच्छा ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर का कर लेंगे। अब हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है। हम इसमें आधी चम्मच जीरा डालेंगे, अपनी हरी मिर्च डालेंगे, एक अदरक जो हमने एक इंच का टुकड़ा काट के रखा हुआ था वो डालेंगे, अपना चॉप लहसुन डाल देंगे हम। गट्टे की सब्जी फ्रेंड्स बहुत तरीके से बनाई जाती है। कुछ लोग इसमें लहसुन और प्याज प्रेफर नहीं करते तो वो सब कुछ स्किप करके सिर्फ टमाटर और दही से और अदरक से भी ग्रेवी बना सकते हैं और कुछ लोग सिर्फ दही से ही इसे ग्रेवी इसकी बनाते हैं, दही और सूखे मसालों से। तो आप वैसे भी इसकी ग्रेवी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। हर चीज़ आप अपनी मर्जी से सब्जी में स्किप कर सकते हैं और अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके घर में ये है और ये नहीं है, तो आपने वैसे ही बनानी है। अब हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, हम इसमें पानी डाल देंगे एक कड़छी के करीब और अब इसमें अपनी टोमेटो की प्यूरी डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे भुनने के लिए छोड़ देंगे, जिससे टमाटर भी हमारा सारे मसालों के साथ अच्छे से भुन जाए। इधर हमारे गट्टे भी बॉईल हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम अपने सभी गट्टों को ऐसे पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए कितने आराम से इसके पीसेस हो रहे हैं। तो देखिए हमने सारे पीसेस कर लिए हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए आप इन्हें हल्का सा ही प्रेस कर रहे हैं तो भी ये दब रहे हैं। अब ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है फ्रेंड्स जो मैं करने जा रही हूँ। मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और मैं ये गट्टे जो है वो इसमें फ्राई करूँगी। ये ऑप्शनल है, फ्राई करने से ये थोड़े और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और बाहर से क्रिस्पी रहते हैं, जिससे कि ये ग्रेवी में घुलते नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इन गट्टों को डालते हैं ग्रेवी में तो वो पूरे के पूरे ग्रेवी में ही घुल जाते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तो हम इसे फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़कर आएगा, लेकिन ये स्टेप पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहें तो ऐसे ही डायरेक्ट ग्रेवी में बना सकते हैं। अब हम अपनी दही को लेंगे, चार चम्मच मैंने दही ली है, इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे और इस सारे मसाले को हम दही में अच्छे से मिला लेंगे और फेंट लेंगे। इससे हम जब अपने मसाले में दही डालेंगे फ्रेंड तो वो फटेगी नहीं। हमारा टमाटर प्याज का मसाला भुन चुका है, अब हम अपनी सारी दही के मसालों को जो हमने सूखे मसालों के साथ मिलाया था वो हम इसमें डाल देंगे और अब हमें इसे चलाते रहना है, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। धीमी आंच पर ही हम इसे चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट हमें चलाते हुए हो गए हैं, अब हम इसे धीमी आंच पे छोड़ देंगे और साथ ही साथ हम अपने गट्टों को एकदम गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट ही हमें इसे गर्म तेल में रखना है, इससे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल गर्म तेल में हम ये डालेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, इसे हिला देंगे। और तकरीबन आधी कटोरी पानी इसमें डाल के इसको ढक्कन लगा के मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम अपने ढक्कन को उठाएंगे
और इसमें हम 1/4 चम्मच कसूरी मेथी की डाल देंगे और फिर इसे लगा देंगे। 3 से 4 मिनट्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। कैसे अच्छी सी गाढ़ी मसालेदार हमारी सब्ज़ी बनी है और गट्टे भी बिल्कुल सॉफ्ट हैं। हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। आइए चलते हैं, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने प्लेट में डाला और ये कितने सॉफ्ट हैं, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए हमारी गट्टे की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या रेसिपी देखना पसंद है। थैंक यू फ्रेंड्स।